तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर कि मैंने बिल्कुल टेक्निकल योगी सर जैसा थंबनेल बना लिया है, जो साइट पर उनके वाइट जो कॉर्नर रहते हैं वाइट शेप्स के और वहाँ पर जो एक सर्कल रहती है ब्लू लाइन की, वैसी मैंने बनाई है। और आपको ये सब कुछ सीखना है तो यार वीडियो को पूरी देखना और इसके बाद आपको शायद ही ऐसा सर्च करना पड़े कि अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं, टेक्निकल योगी सर या टेक ट्रायंगल या हवा सिंह जैसा थंबनेल कैसे बनाएं। तो यार वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों यार आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यार ये मैं सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल में पिक्सल लैब ऐप से बना रहा हूं, जो कि काफ़ी खुशी की बात है ना। आपको यहां पर कोई कंप्यूटर वम्प्यूटर यूज नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों यार आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं अभी पिक्सल लैब खोल लिया है मैंने। आप मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल योगी सर जैसा थंबनेल बनाना बताऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है हमारे पास, ये डबल पेज है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर है जो कलर पर क्लिक करना है और कलर्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कौन सा भी कलर सिलेक्ट कर लेना है वाइट को छोड़कर। यहाँ पर ये वाला कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक करके कस्टम की जगह यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करके ओके कर देना है। देन यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ये शो होएगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जाना है तीसरे नंबर के ऑप्शन पर। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेप्स का, तो यहाँ पर सेप्स पर मैं जैसे ही टैप करूँगा तो कुछ इस प्रकार का हमारे सामने ये खुल जाएगा। देन यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमको रेड्यूस का। देन रेड्यूस पर हम जैसे क्लिक करेंगे और इसको 18% पर क्लिक करके यहाँ पर हमको इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर जो ब्लैक बिंदु है इन पर क्लिक करके इसको ऊपर नीचे कर लेना है, कुछ इस प्रकार का एडजस्ट करना है। टेक्निकल योगी सर जैसा बनाना है हवा सिंह टेक ट्रायंगल जैसा आपको बनाना है, तो यहाँ पर आपको राउंड शेप्स करने होंगे। और यहाँ पर इन साइड पर कॉर्नर पर जगह तो छेपनी है छोड़नी है सॉरी। और यहाँ पर आपको साइड में भी कुछ यहाँ पर जगह छोड़नी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर छोड़ी है कुछ और इधर भी छोड़ी है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। देन ऊपर नीचे भी थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है। देन यहाँ पर कलर की ऑप्शन का है यहाँ पर एक, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये वाला कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और देन यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑप्टिसिटी, इसको आपको 100% ही रखना है। और आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर स्टॉक विथ WITTH, देन इसको यहाँ पर आपको कुछ 10-12% रखना है, ठीक है। 10 रख लेता हूँ मैं, ठीक है। देन यहाँ पर स्ट्रोक कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ये वाला कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन यहाँ पर आपको ब्लू रेडिस पर एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको आपको कर लेना है कितना 5% पर क्लिक करना है और देन यहाँ पर राइट करना है। देन फिर से आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर आना है और यहाँ पर जो कलर है इसका बैकग्राउंड का, उसको आप यहाँ पर सफ़ेद वाला कर लें, ठीक है। सफ़ेद वाला क्लिक करके इसको एक बार और मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रोक की वजह से, ब्लर की वजह से सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ये, ठीक है। यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार करना है ताकि सब तरफ से थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर जगह छूट जाए वाइट कलर की। देन यहाँ पर राइट करके यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको सेव का, तो यहाँ पर क्लिक करके सेव अस इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर आप कस्टम की जगह यहाँ पर आपको वेरी हाई के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अल्ट्रा, उस पर क्लिक करके सेव टू गैलरी पर इस इमेज को सेव कर लेना। दोस्तों यार वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इसके बाद आप बिल्कुल टेक्निकल योगी जैसा थंबनेल बनाना सीख जाओगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब कुछ हटा देता हूँ एक बार। और देन आपको यहाँ पर कुछ आप पिक्सल लैब को डबल से खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। देन आपको यहाँ पर इसको हटाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर से चौथे नंबर पर क्लिक करके इमेज साइज पर क्लिक करके कस्टम की जगह यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना है और देन यहाँ पर ओके कर देना है। और देन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके इंपोर्ट पर क्लिक करके आपका वो इमेज सिलेक्ट कर लेना है जो अभी हमने बनाया है। देन उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट कर देना है। देन यहाँ पर आपको जो ये लास्ट वाला आपका जो कॉर्नर है नीचे नीचे की तरफ, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से ऐसे बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इरेज कलर्स का। देन इरेज कलर पर आप जैसे क्लिक करोगे और इसको इनेबल करोगे तो पहले तो ये वाइट कलर से आपका जो हटा देगा, तो अभी मेरे को फिलहाल वाइट कलर नहीं हटाना है, यहाँ पर हमको ग्रीन कलर हटाना है। तो यहाँ पर एक नंबर पर आपको क्लिक करना है और जो आपको ग्रीन कलर है वो यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है, ठीक है।
और यहाँ पर ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर है वो हट चुका है थोड़ा सा, और मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और ठीक है। देन यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करके राइट कर देना है। दोस्तों यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, और यहाँ पर आप चौथे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसपेरेंट, क्या है ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर क्लिक करके ठीक है। और यहाँ पर आप फिर से इस इमेज को सेव अस इमेज कर लेना है, और यहाँ पर इसको यहाँ पर PNG सिलेक्ट करना है आपको, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। और देन यहाँ पर आप कस्टम की जगह अल्ट्रा पर सिलेक्ट कर लें और सेव टू गैलरी क्लिक कर लें। दोस्तों ये फ्रेम आपको सिर्फ एक बार बनाने की ज़रूरत है, और आप इसको बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार बना लोगे तो आप इसको हर थंबनेल में लगा सकते हो। देन यहाँ पर मैं आपको एक थंबनेल में इस फ्रेम को लगाकर बताऊंगा। तो दोस्तों मैं अभी गैलरी पर से कोई सा भी एक जो हमारा थंबनेल है उस पर इस फ्रेम को लगाकर बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं अपना एक जो इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये इमेज सिलेक्ट करके राइट कर दिया है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आप थंबनेल बनाओगे पहले उसमें यहाँ पर कुछ जगह छोड़नी है, जैसे कि ऊपर की ओर भी कुछ जगह छोड़नी है, देन नीचे की ओर भी थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए। देन आपको यहाँ पर तीसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके इंपोर्ट पर क्लिक करके अभी जो हमने वो सर्कल बनाई थी PNG उसको यहाँ पर क्लिक करके राइट कर देना है। और देन यहाँ पर आपको फिर से इस कॉर्नर पर क्लिक करके लास्ट वाला वो इसको यहाँ पर ऐसे कर लेना है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेव अस इमेज, और यहाँ पर आपको PNG रखना है। कस्टम की जगह आपको यहाँ पर ध्यान दें इस बार वेरी हाई रखना है, अल्ट्रा नहीं करना है, क्योंकि 2 MB का ज़्यादा हो जाएगा। 2 MB से तो वहाँ पर आप YouTube थंबनेल पर इसको अपलोड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर 2 MB से कम ही रखना है, और सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर हमारा इमेज सेव हो चुका है। अब मैं बताऊँगा ये इमेज आपको किस प्रकार का दिखेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक और एक बार बताता हूँ जो हमने अभी इमेज सेव किया है। यहाँ पर मैं कलर सिलेक्ट करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। राइट करके जो अभी हमने इमेज लिया है देन यहाँ पर राइट करके दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का थंबनेल हमारा बनेगा, जो लाइक टेक्निकल योगी सर जैसा बिल्कुल वैसा ही बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वैसे ही कोने बने, वैसे ही सर्कल बने, और दोस्तों आप थोड़ी अच्छी मेहनत करोगे तो आप मेरे से काफ़ी अच्छा बना सकोगे। तो यार वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करो, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन चुकी है इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें यदि और कोई डाउट हो आपको, बिल्कुल ऐसा ही थंबनेल बनाना है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बनाना बताया है, तो कमेंट करो यार भाई, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। और थैंक यू भाई लोग।